हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे रॉ मैंगो चटनी। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। हमने यहाँ पे कुछ रॉ मैंगो लिया है, जैगरी, ड्राई चिल्ली, क्यूमिन और मस्टर्ड सीड, मैंगो जिंजर एंड करी लीव्स। पहले एक पैन गरम करेंगे, उस पर कुछ ऑयल ऐड करेंगे, उसको गरम होने के लिए छोड़ देंगे। अभी हमारा ऑयल गरम हो गया है, हम अभी हमारा ड्राई चिल्ली ऐड कर लेंगे, क्यूमिन एंड मस्टर्ड सीड ऐड करेंगे। थोड़े देर के लिए सॉटे कर लेंगे। अभी हम मैंगो जिंजर ऐड कर लेंगे एंड उसको भी अच्छे से थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लेंगे। हमने यहाँ पे क्रश करके लिया है, आप अगर चाहेंगे तो इसको क्रश भी कर सकते हैं या पेस्ट भी बना के ले सकते हैं। अभी हमारा ये अच्छे से सॉटे हो गया है, अभी हम करी लीव्स ऐड करेंगे एंड उसको भी थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लेंगे। आपके पास अगर करी लीव्स नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम चॉप्ड मैंगो ऐड कर लेंगे एंड उसको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। अभी टर्मेरिक पाउडर एंड रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे एंड दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पाँच मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे। कवर निकालने के बाद देखिए थोड़ा तो मैंगो सॉफ्ट हो गया है पहले से, और उसको और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे एंड उस पर थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी यूज़ किया है। आपको चटनी का मतलब जितना ग्रेवी आपको चाहिए आप उस हिसाब से पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और थोड़े देर के लिए कवर करके पका लेंगे।
देखिए अभी मैंगो बहुत अच्छे से पक गए हैं। अभी हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे एंड अच्छे से मिला देंगे। और थोड़े देर के लिए कवर करके पका लेंगे। अभी जैगरी ऐड कर लेंगे एंड उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़े देर के लिए कवर करके पका लेंगे। हमने यहाँ पे जैगरी यूज़ किया है। आप अगर चाहेंगे तो आप शुगर भी यूज कर सकते हैं, और आप अपने हिसाब से आपको कितना मीठा चाहिए और कितना खट्टा चाहिए आप उस हिसाब से आप ले सकते हैं। देखिए अभी हमारा ये जैगरी मिक्स हो गया है और थोड़ा बहुत है वो, और थोड़ी देर में भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और जब मिक्स हो जाएगा तो चटनी में बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। देखिए जैगरी अभी अच्छे से मिक्स हो गया है एंड चटनी का कितना अच्छा सा कलर आ गया है। पूरा चटनी अभी हमारा रेडी होने को है। अभी चटनी हमारा रेडी हो गया है। हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। फ्राइड क्यूमिन एंड रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे एंड उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे चटनी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत थोड़ा चटपटा स्पाइसी लगता है। नाउ रेडी आवर मैंगो चटनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।